हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, जैसे कि आपको बताया, हम उत्तराखंड के हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको जो है पूरे नोट्स यहां पर मिलेंगे हैंड रिटन। तो उसी सीरीज़ का आज हमारा चौथा वीडियो है। तो चौथे वीडियो के अंतर्गत हम जो है यहाँ पर ऐतिहासिक काल को डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड का। इससे पहले हमने आज ऐतिहासिक काल और बहुत सारे लेक्चर हमने जो है सीरीज़ से हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक। तो आप मेरे साथ बने रहें, कॉपी पेन हाथ में पकड़ लें, आपको यहाँ पूरा सिलेबस पूरा कोर्स से देखने को मिलेगा उत्तराखंड के हैंड रिटन नोट्स से। आप जो है प्रॉपर तरीके से इस तरीके से एक बार नोट्स आपके बन जाएंगे तो फिर आप जो है कभी भी इसमें धोखा नहीं खाएंगे। ये नोट्स जो है अजय रावत की बुक से, इंटरनेट के माध्यम से, अपने ज्ञान के बेस पर और परीक्षा वाणी सभी से जो है कलेक्शन करके इन नोट्स को तैयार किया गया है। चलिए तो स्टार्ट करते दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम ऐतिहासिक काल को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को सुविधा की दृष्टि से स्टडी करने के लिए विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है किसी भी चीज़ को। लेकिन हिस्ट्री को भी हम इसी तरीके से बांटते हैं। तो एक तो इसमें प्राचीन काल है, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आता है आधुनिक काल। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन काल उत्तराखंड का, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत प्राचीन काल से ही। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, उत्तराखंड जो है यहाँ पर जंगली एरिया है और बीहड़ वीरान एरिया जो है उत्तराखंड का अधिकतम एरिया जंगली टाइप का है, जंगल वाला एरिया है, पहाड़ों वाला वीरान इस तरीके से एरिया है। तो इस वजह से ऐसा जो है प्रतीत नहीं होता है, ऐसा नहीं कहीं से ऐसा साक्ष्य मिलता है या स्पष्ट जानकारी ऐसी नहीं मिलती है कि यहाँ पर कोई किसी भी वंश का स्थायी राज्य रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी पुख्ता प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं यहाँ पर राज्य रहे होंगे, तो उसके जो साक्ष्य हैं वो उन साक्ष्यों के आधार पर हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ जो है राजवंश रहे होंगे जिन्होंने शासन किया होगा। जैसे साक्ष्यों में हमको मिले हैं सिक्के मिले हैं, इनके अभिलेख मिले हैं, ताम्रपत्र मिले हैं। ठीक है, तो जैसे हम अभी तक पिछले तीन लेक्चरों में भी पढ़ते आए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है उपस्थिति रही होगी इनकी। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं शिलालेखों की, अभिलेखों की, तो कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख और शिलालेख हमको मिले हैं। वो कालसी से मिले अभिलेख, लाखामंडल से मिले हैं, सिरौली से, मंडल से और माणा से। ठीक है, तो मुख्यतः इतनी जगह से हमको अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनके मतलब विभिन्न वंशों के। ठीक है, तो सबसे पहले कालसी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कालसी के बारे में आपको बता दूँ, कालसी में जो अभिलेख मिले हैं दोस्तों, कालसी जो है ये आपको पता ही होगा, ये देहरादून में पड़ता है, देहरादून के ये टॉन्स यमुना के संगम पर जो है कालसी ये स्थान उपस्थित है। तो दोस्तों, कालसी को अशोक ने अपने राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थापित किया और जो कालसी में जो अभिलेख मिले हैं इनकी जो भाषा है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कालसी में जो अभिलेख हैं इसकी कौन सी भाषा में अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसकी भाषा प्राकृत थी और इसकी लिपि ब्राह्मी थी दोस्तों। ठीक है, इसकी स्थापना जो की गई थी तो ये हुई थी 257 ईसा पूर्व में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है इस अभिलेख में, यहाँ पर इस स्तंभ में जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, यहाँ पर अशोक ने लिखा है कि मतलब अशोक के बारे में लिखा गया है कि उसने राज्य में हर स्थान पर मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। लोगों से उसने हिंसा का त्याग करने की बात कही है और उसने कहा कि अहिंसा को अपनाओ। ठीक है, इस तरीके की एक घोषणा उसने वहाँ पर को लिखी है, ऐसा वहाँ पर पाया गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं कुछ शब्दावलियों की, तो उस क्षेत्र में, ठीक है, कालसी वाले जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में जो लोग निवास करते थे उन लोगों को पुलिंद कहा जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो और उस क्षेत्र के लिए, उस पूरे क्षेत्र के लिए अपरांत और वहाँ के जो निवासी थे उनके लिए पुलिंद शब्द का इस्तेमाल वहाँ पर को किया गया दोस्तों। उसके बाद लाखामंडल की बात करते हैं, लाखामंडल भी आपने बार बार सुना होगा। तो दोस्तों, ये लाखामंडल जौनसार बाबर क्षेत्र में उपस्थित है और यहाँ पर एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जो किसका है, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख है दोस्तों। और यहाँ पर जो है यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य होने की का प्रमाण मिलता है लाखामंडल से। ठीक है, उसके बाद बात करें मंदिर लेख, हमको कुछ मिले हैं जो मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण हैं। ठीक है, जो जैसे गोपेश्वर से मिला है, कालीमठ से, केदारनाथ से और नाला से। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से किस कहाँ पर जो है मंदिर लेख मिले हैं जो दीवारों पर उत्कीर्ण है। तो गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ या उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसे दे देगा कुछ भी ऑप्शन
तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये मंदिर लेख इतनी जगह से प्राप्त हुए। और गुफाओं पर आपको बता दूं दोस्तों, गुफाओं पर भी देवप्रयाग और कल्पनाथ में जो है गुफाओं पर लेख मिले हैं। देवप्रयाग में वामन गुफा है, एक वामन गुहा यहाँ पर मिला है। तो गुफाओं की जो दीवारें हैं उन दीवारों पर जो है ये लेख मिले हैं। उसके बाद कई जगह ईंटों पर भी लेख मिले हैं, जैसे एक नैनीताल और बाड़वाला में, ठीक है, बाड़वाला जो देहरादून में है, तो नैनीताल और बाड़वाला में जो है ईंटों पर भी कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उसके बाद बात करेंगे मूर्ति पीठिका लेख, तो ये देवलगढ़ और कोलसारी से प्राप्त हुए मूर्ति पीठिका लेख, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कहाँ पर मूर्ति पीठिका लेख मिले हैं, देवलगढ़, कोलसारी, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इस तरीके से ऑप्शन बन जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, मूर्ति पीठिका लेख देवलगढ़ और कोलसारी से प्राप्त हुए हैं। बात करेंगे त्रिशूल लेख की दोस्तों, त्रिशूल लेख भी दो जगह से मुख्यतः प्राप्त हुए हैं, एक तो गोपेश्वर से, दूसरा बाड़ाहाट से। अब आपको बता दूं दोस्तों, जो गोपेश्वर है, गोपेश्वर के एक शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर से ये प्राप्त हुए। यहाँ पर जो है दो राजाओं के लेख प्राप्त हुए हैं, पहला तो है नागपतिनाथ, ठीक है, नागपतिनाथ, और दूसरा क्या था, अशोक चल्ल, ठीक है। तो अशोक चल्ल आपको पता ही दोस्तों, पश्चिमी नेपाल का राजा ये अशोक चल्ल था। तो नागपतिनाथ जो है 6वीं-7वीं सदी में इस क्षेत्र को नागपतिनाथ ने जीता था, ऐसा इस त्रिशूल लेख से ज्ञात होता है। दूसरा यहाँ पर अशोक चल्ल हमने बताया, तो ये 12वीं सदी में इस क्षेत्र को अशोक चल्ल ने जीता था, ये भी इस त्रिशूल लेख के माध्यम से हमको पता चलती हैं। बात करेंगे आगे दोस्तों मुद्राएं, तो कुछ मुद्राएं भी अगर वहाँ शासन रहा होगा तो जाहिर सी बात है उस शासन में, उस वंश में जो है मुद्राएं भी होंगी। तो मुद्राओं में भी कुछ लेख मिले हैं, तो हम समझेंगे यहाँ पर कौन कौन सी मुद्राएं मिली हैं और थोड़ा थोड़ा कहाँ कहाँ से मुख्यतः मिली हैं। दोस्तों जो ये यहाँ पर मुद्राएं मिली हैं, ये प्रथम और द्वितीय सदी की मुद्राएं हैं और कुषाणकालीन मुद्राएं यहाँ पर को मिली हैं, ठीक है। तो कुषाणकालीन मुद्राएं मिली हैं और जो किस समय की हैं, प्रथम और द्वितीय सदी की हैं। अगर कहाँ मिली हैं इसकी बात करेंगे तो मुनिगी रेती पर में मिली हैं और सुमाड़ी में मिली हैं और मूर्धज स्तूप में भी के पास भी ये चीज़ें मिली हैं। जो मूर्धज स्तूप में जो मुद्राएं मिली हैं, ये इसका समय जो है 3री सदी माना गया है। उसके बाद दोस्तों कुछ ताम्रपत्र मिले हैं, कुछ ताम्रपत्री लेख मिले हैं। आपने बार बार एग्जाम में ताम्रपत्र सुना होगा, ठीक है। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, कंडारा, चंपावत, बैजनाथ ताम्रपत्र, इस तरीके की आपने शब्दावलियों को बार बार अपने एग्जाम में, अपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा। तो ये ताम्रपत्री लेख भी कुछ जो है विभिन्न वंशों से मिले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कार्तिकेयपुर राजाओं के लेख मिले हैं, जो पांडुकेश्वर से चार राजाओं के हैं, कंडरा से एक, चंपावत से एक और बैजनाथ से भी एक ही है। तो आपको बताऊं मैं दोस्तों, इन क्षेत्रों के जो लेख हैं उन लेखों में क्या उल्लेख किया गया है इसके बारे में आपको बता देता हूं मैं। तो इन क्षेत्रों में उल्लेख किया गया है दोस्तों चार इकाइयों का, ठीक है। जैसे इसमें एक तो ग्राम का उल्लेख है, दूसरा इसमें पट्टी का उल्लेख है और परगना का उल्लेख है, और इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो पदाधिकारी थे उस समय के, कत्यूरी के समय में, उनका भी उल्लेख है। अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो शब्दावली होती है इसमें पूछ लिया जाता है कि कत्यूरी समय में सेना नायक को क्या कहा जाता था। तो वो सेना नायक को बलाध्यक्ष कहा जाता है, मतलब कत्यूरी समय में ये पदाधिकारी क्या था, सेना नायक था। लेखा परीक्षक जो है अक्ष पटलिका था, पटलिक, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको प्रत्येक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, इसको नोट कर लो अच्छी तरीके से। सबसे पहले तो मैंने बात कहा कितनी चीज़ों का उल्लेख मिलता है यहाँ पर, ग्राम, पट्टी, परगना और उनके कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। जैसे महत्तम है, तो महत्तम क्या होता था दोस्तों, उस समय ग्राम शासक होता था, और एक भृत्य है, भृत्य जो है क्या होता था, सेवक होता था। प्रतिहार क्या होता था, द्वार रक्षक, और गोप्त रक्षक होता था, गढ़ रक्षक को कोटपाल कहते थे, ये एग्जाम में आया भी है कोटपाल, ठीक है। तो ये कोटपाल क्या होता था, गढ़ रक्षक। सेना नायक बलाध्यक्ष होता था, प्रमुख सेनापति को महादंड नायक कहते थे, और लेखा परीक्षक जो है अक्ष पटलिक होता था। तहसीलदार को क्या कहते थे, कुलचारिक कहते थे, कुलचारिक महोदय, ठीक है। तो ये इसकी कुछ शब्दावलियाँ थी। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ वंशावलियों की। तो वंशावली जो है सबसे पहले जो प्रतीत होता है, जो साक्ष्यों से विभिन्न तरीके से जो ज्ञात होता दोस्तों, वो सबसे पहले कुणिंदों के बारे में पता चलता है। तो
पुनिंद जो थे उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक शक्ति के रूप में सामने आते हैं। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये कुनिंद थे। जो कुनिंदों का शासनकाल था दोस्तों लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर के तीसरी चौथी ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। ये समय आपको विभिन्न जगहों पर अलग अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन जो सर्वमान्य और अधिकतर माना जाता है वो लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर के तीसरी चौथी ईस्वी तक इनका शासन माना जाता है। दोस्तों डॉक्टर राय चौधरी का मानना है कि उन्होंने ऐसा माना है कि अशोक के स्तंभ लेखों से ये पता चलता है कि तराई क्षेत्र और देहरादून भी अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत ही था, लेकिन मध्य हिमालय का पर्वतीय भाग जो है वो कुनिंदों के अधीन था। अब मैंने जैसे कि पहले ही कहा, कोई भी वंश है, कोई भी राजवंश है, कोई भी शासन है, तो उसकी सत्ता को चलाने के लिए मुद्राएं जो है जरूर हर समय में चली थी। तो उसी तरीके से कुनिंदों की भी कुछ मुद्राएं थी। तो डॉक्टर कटोच ने कहा है कि कुनिंद सत्ता का एकमात्र स्रोत जो है वो क्या है, मुद्राएं हैं। अब कुनिंदों के समय की तीन प्रकार की मुद्राएं दोस्तों यहां पर को मिली हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए मुद्राएँ जो है यहाँ पर तीन प्रकार की मुद्राएँ कुनिंदों के समय की मिली हैं। नंबर एक है अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, दूसरी है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा और तीसरे है चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। अब सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, ठीक है। तो अमोघ भूति जो है इस वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है, तो इसीलिए उसके नाम से इस मुद्रा को जो है चलाया गया होगा उस समय। अगर बात करते हैं इस मुद्रा को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो वो रजत और ताम्र का प्रयोग किया गया था। इम्पोर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है। इस मुद्रा में कौन से लेख से लिखा गया है, कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया गया, ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार बनता है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर ब्राह्मी और खरोष्ठी का इस्तेमाल इन मुद्राओं में किया गया अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा में, कभी कभी और लेकिन यहाँ पर कभी कभी केवल ब्राह्मी का इस्तेमाल भी किया गया है। अगर भाषा आपसे पूछता है तो भाषा इसकी प्राकृत थी इन मुद्राओं में, ठीक है। अब ये देखिए आप यहाँ पर अमोघ मूर्ति प्रकार की मुद्रा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे कि आप ये पहला वाला जो सिक्का देख रहे हो दोस्तों, ये जो है इसका अग्रभाग है, ठीक है। इस मुद्रा के अग्रभाग पर आप देख पाएंगे जो है एक मृग का अंकन किया गया है और यहाँ पर एक देवी का अंकन किया गया है, ठीक है। ये अग्रभाग पर मृग और एक देवी का अंकन किया गया है इन मुद्रा में कुनिंदों के। अगर बात करेंगे इसके पश्चिम वाले भाग पर, पीछे वाले भाग पर, तो यहाँ पर आपको स्वास्तिक देखने को मिलेगा और एक नाग जैसी आकृति देखने को मिलेगी। लेकिन इसके सिक्के के किनारे किनारे चारों ओर कुछ लिखा भी गया है, जो हमने जिसमें आपको बताया कि ये ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जो इसमें ये लिखा गया है ये क्या अंकित इसमें किया गया है, राग्य है कुनिंदस अमोघ भूतिस महर्जस, ठीक है। ये मतलब उसके गुणगान में ये चीज़ लिखा गया अमोघ भूति के। तो उसके बाद दूसरे प्रकार की जो मुद्रा प्राप्त हुई थी अल्मोड़ा प्रकार की, तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं केवल उत्तराखंड में ही मिली हैं, ये अल्मोड़ा से प्राप्त हुई हैं, जो वो चार मुद्राएं थी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जो इस समय जो है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है दोस्तों, और कत्यूर घाटी में 54 प्राप्त हुई हैं कत्यूर घाटी से, ये जिनकी लिपि कैसी है, ब्राह्मी लिपि है, और इसमें जो धातु का प्रयोग किया गया है वह तांबे का प्रयोग किया गया है कत्यूर घाटी से जो प्राप्त हुई है। और बाकी देखिए चार जो अल्मोड़ा से उनमें भी सेम है, मतलब कहने का ये है कि केवल उत्तराखंड से ही ये प्राप्त हुई, उत्तराखंड से बाहर से ये कहीं से प्राप्त नहीं हुई है। अब देखेंगे यहाँ पर चित्र की अगर बात करेंगे तो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं थी उनमें व्रत बना हुआ है, कुबड़ा बैल है, बेदी मानव मूर्ति और नाग, ठीक है। इस तरह की जो चित्र वहाँ पर देखने को, चित्रों का अंकन देखने को मिलता है। और इन मुद्रा में दोस्तों 8 राजाओं के नाम भी देखने को मिलते हैं, ये मैं आगे आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। तीसरे प्रकार की मुद्रा हमने कहा चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, तो छत्रेश्वर जो थे दोस्तों यहाँ इसको कहीं पर छत्रेश्वर आपको मिलेगा, कहीं छत्रेश्वर मिलेगा, तो कुनिंदों के अधिष्ठाता देवता थे छत्रेश्वर महाराज, तो उन्हीं के नाम पर संभवतः है इन मुद्राओं को चलाया गया होगा, ठीक है। तो इन मुद्राओं की लिपि थी ब्राह्मी और इसमें धातु का जो प्रयोग किया गया था वो तांबे का प्रयोग किया गया था छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में। अगर बात करेंगे इसके लेख की, तो इसमें क्या लेख आपको देखने को मिला, क्या अंकित किया गया है, तो इसमें लिखा गया है अगवत छत्रेश्वर महामना,
ठीक है, ये इसमें अंकित किया हुआ प्राप्त मिलता है। उसके बाद इसमें चित्र भी बने हुए हैं इन मुद्राओं में कुछ। तो चित्र कैसे थे, इसमें त्रिशूल धारण किए हुए शिव भगवान को इसमें चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा में। ठीक है, तो शिव मतलब त्रिशूल धारण किए हुए शिव भगवान किस प्रकार की मुद्राओं में दर्शाया गया है, तो आपको पता चल गया छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में। और इसीलिए इसको जो है शिव प्रकार की मुद्रा भी कहा जाता है, शिव प्रकार की मुद्राएं भी इसको कहा जाता है। ये प्रत्येक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं जो थी उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली और हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ से कुछ विशेष चीज़ निकल कर आती है। जो अल्मोड़ा मुद्राएँ थी इसमें 8 राजाओं के नाम मिलते, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो मैंने कहा अल्मोड़ा जनपद से 4 प्राप्त हुए हैं, इसमें शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और मगभत्त, ये 4 राजाओं के जो है यानी कि 4 मुद्राएं वहां से प्राप्त हुए हैं 4 राजाओं से, जो इस समय कहां पर है लंदन संग्रहालय में है। ठीक है, उसके बाद राजा शिव रक्षित हैं, तो ये ब्रिटिश संग्रहालय से ये प्राप्त हुआ। और जो किसने प्राप्त किया, महेश्वर जोशी ने प्राप्त किया दोस्तों। आगे बात करें कत्यूर घाटी से, मैंने कहा 54 मुद्राएं प्राप्त हैं, उनमें से एक जो है राजा शिवदत्त, एक जो है राजा आशेक और बाकी सभी गौमित्र की मुद्राएं हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी थोड़ा थोड़ा ध्यान लिख रहना, इनको नोट कर लेना, कभी क्या पता कहीं से भी कुछ भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब दोस्तों अमोघ बुद्ध की मृत्यु हो जाती है प्रथम सदी ईसा पूर्व में। ठीक है, जब प्रथम सदी ईसा पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, जो शकों का आगमन हो जाता है। शक क्या करते हैं, इनके मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं। और जो कुणिंद थे, कुणिंद को केवल अपने जो पर्वतीय भाग था, जो पहाड़ी क्षेत्र था, उन वहाँ तक ही सीमित रहना पड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर शकों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपसे बात जो है कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर शक आ गए हैं, तो शकों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। जो शक थे इनकी उपस्थिति की जो पुष्टि होती है वो सूर्य मंदिरों की उपस्थिति की वजह से होती है। जैसे कि आपको पता है विशेषकर कटारमल का सूर्य मंदिर जो अल्मोड़ा में है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो इन सूर्य मंदिरों की उपस्थिति से ऐसा मालूम होता है कि शकों ने यहाँ पर अधिकार किया था, उनका शासन रहा था। जो कुमाऊँ में शक संवत है, ये भी इसका प्रचलन भी जो है शकों के आने से ही प्रतीत होता है या माना जाता है। भाई अमोघ भूति की मृत्यु हो जाती है प्रथम सदी ईसा पूर्व में, उसके बाद शकों ने क्या करता है, मैदानी क्षेत्रों में इन्होंने अधिकार कर लिया। लेकिन जो कुणिंद थे, कुणिंदों को केवल अपने पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित रहना पड़ जाता है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक समझ ली। लेकिन हमने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में शकों का अधिकार हुआ, तो उसके बाद क्या हो जाता है, कुषाण आ जाते हैं इस पर। तो कुषाण क्या करते हैं, अधिकार कर लेते हैं शकों से, इस क्षेत्र को ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि प्रथम सदी में ही ये क्या करते हैं, तराई वाले जो भाग पर पहले शकों का अधिकार हो गया था कुणिंदों से, तो उसके बाद इसमें कुषाणों का अधिकार हो जाता है। तो कुषाणकालीन जो अवशेष हमको प्राप्त होते हैं वो 3 जगह से हमको मुख्यतः प्राप्त होते हैं। एक तो वीरभद्र ऋषिकेश से प्राप्त होते हैं, दूसरा मोरध्वज कोटद्वार के पास है जो यहाँ से, और गोभीषाण जो काशीपुर में है। इन 3 जगहों से जो है हमको कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। जब दोस्तों कुषाणों का शासन चल रहा था प्रथम सती से लगभग 3री सती के बीच में कुषाणों का शासन रहा ऐसा माना जाता है, तो उस समय भी कुणिंद जो थे, कुणिंदों की एक स्वतंत्र सत्ता एक तरफ को चल ही रही थी। कुणिंदों के बाद शक आए, शक के बाद कुषाण आए। लेकिन कुणिंद जैसे कि वो अपने पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में जो अपना शासन कर रहे थे, अपना राज्य चला रहे थे, वहीं तक सीमित थे। तो वहाँ पर उनकी एक स्वतंत्र सत्ता चल रही थी, लेकिन वो क्या थे, पर्वतीय भागों तक ही संतुष्ट थे, जैसे कि हमने पहले ही बताया। लेकिन कुषाण सत्ता ज़्यादा समय तक फिर नहीं चल पाई, ज़्यादा समय तक स्थिर नहीं रह पाई, तो वापस से क्या हुआ, मैदानी क्षेत्रों पर जो है कुणिंदों का अधिकार फिर से हो गया। अब कुषाणों के पतन के बाद जो है, जब कुषाणों का पतन हुआ, उसके बाद बीच बीच में कुछ नए छोटे छोटे राजवंश यहाँ पर दिखाई दिए। ठीक है, अब कुषाणों के बारे में मैंने आपसे बात की, तो थोड़ा थोड़ा कुषाणों के बारे में इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए कुषाणों ने जो अधिकार किया था वो प्रथम सती ईस्वी में इन्होंने अधिकार इनका हुआ था, और इसका श्रेय जाता है कनिष्क प्रथम को, कुषाणों का। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं दोस्तों इनकी, वो तराई और शिवालिक के पास से इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो इस बात से ये स्पष्ट होता है कि कुणिंदों से ये भाग जो है कुषाणों के अधीन हो गया था।
तो इस उनकी जो मुद्राएं थी उनकी तराई वाले और शिवालिक, जैसे कि हमने कहा वो मैदानी क्षेत्र पर ही अधिकार कर लिया था उन्होंने, तो इस बात से स्पष्ट हो जाता है धीरे मतलब यहाँ पर। तो उसके बाद इनके अवशेष जो है वीरभद्र, मूर्ध्वज और गोपीषाण से प्राप्त होते, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कुषाणों के पतन हुआ जब, उसके बाद यहाँ पर कुछ नए नए राजवंश भी दिखाई दिए, जैसे इनमें से एक है योद्धेय। तो दोस्तों योद्धेय जो है तीसरी चौथी सदी ईस्वी में काफ़ी शक्तिशाली जो है राजवंश माना गया है, और इनको जो है ये कुणिंदों के समकालीन थे, क्योंकि एक साइड को कुणिंदों का तो चल ही रहा था ना, और उसके बाद जब कुषाण का पतन होने लगा तो उसके बाद कुणिंदों ने वापस से मैदानी क्षेत्र पर भी कुछ अधिकार कर लिया था, यानी कि एक तरफ कुणिंद भी चल रहे थे और दूसरी तरफ से ये छोटे छोटे राज्य भी यहाँ पर आने लगे, शासन करने लगे। तो योद्धेय भी एक तरफ से चल रहे हैं, एक तरफ से कुणिंद भी चल रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये कुणिंदों के समकालीन थे। जो इनकी योद्धेयों की शासन की पुष्टि होती है, जिस बात से हमको पता चलता है कि योद्धेयों ने भी यहाँ पर शासन किया, तो इनकी मुख्यतः इनकी मुद्राओं से पता चलता है। इनकी मुद्राएं जो प्राप्त हुई हैं दोस्तों वो कांगड़ा, शिमला, सहारनपुर, जौनसार, बाबर और काला डांडा से प्राप्त हुई। जौनसार बाबर आपको पता ही है देहरादून में पड़ता है, और काला डांडा जो है ये पौड़ी के अंतर्गत आता है, ये चीज़ ध्यान रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इनके शासन की पुष्टि मुख्यतः योद्धेय के शासन की पुष्टि किससे होती है क्वेश्चन आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, मुद्राएं से होता है। ठीक है, इनकी मुद्राएं जो प्राप्त हुई हैं, इतनी जगहों से इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये इनका मुख्यतः है और जो शासन की पुष्टि के लिए मतलब साक्ष्य या स्रोत आप कह सकते हैं। तो कुषाणों को कुचलने में जो है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी योद्धेयों ने। ठीक है, जैसे कि कुषाणों का अधिकार था उस समय, तो कुषाणों को कुचलने में इन्होंने बहुत अधिक अच्छी भूमिका निभाई थी। उसके बाद जो है युक्शैल का एक वर्षगण गोत्री वंश था, ये भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो है झांक के गया था, तो कालसी प्रदेश में इन्होंने राज्य किया था। ठीक है, देहरादून के कालसी प्रदेश में, और इसका एक प्रतापी राजा था जिसका नाम था सीलवर्मन। ठीक है, इसका राज्य जो है 250 से 300 ईस्वी तक माना जाता है। इसने एक अश्वमेध यज्ञ किया था, ये क्वेश्चन आता है, एक दो बार देखा है मैंने ये, तो यमुना के बाएं तट पर इसने एक अश्वमेध यज्ञ किया था, और इसने दूसरा एक काम और किया था जो बाड़वाला में जो है इसने यज्ञ वेदिका का निर्माण किया था। ठीक है, ये दो काम इसने किए थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये बार बार कई बार देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो है अपवाद भी है, सीलवर्मन को कुछ लोग योद्धेय मानते हैं और कुछ लोग इसको कुणिंद मानते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों समकालीन थे, कुछ लोग मानते हैं कि ये कुणिंदों का कुणिंद था और कुछ लोग मानते हैं कि योद्धेय था, ये डाउट वाला पॉइंट है, ये एग्जाम में कम आता है, नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं कर्तृपुर राज्य की। दोस्तों कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि कुणिंदों ने कर्तृपुर राज्य की स्थापना किसने की थी, कुणिंदों ने ही की थी, और ये इनका जो राज्य था कुणिंदों का वो पूरा उत्तराखंड में था, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड का उत्तरी भाग। ठीक है, तो ये कर्तृपुर राज्य में इतना एरिया सम्मिलित था। अब समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में ये बताया गया है कि गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर ये स्थित था, क्या, कर्तृपुर राज्य। ठीक है, तो ये गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित था और ये उस समय जो है गुप्तों के अधीन था। ठीक है, यानी कि गुप्तों का जो मुख्य राज्य था वो गुप्तों का था, लेकिन ये उनके अधीन जो है राज्य शासन अपना चलाता था। जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई तो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त राजवंश का प्रताप धीरे धीरे ढलने लगा। तो जब उसका प्रताप ढलने लगा तो उसका क्या परिणाम निकला कि गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद, तो इसके फलस्वरूप जो है मध्य हिमालय में भी राजनीतिक परिवर्तन हुआ। भाई जब किसी मेन मतलब जैसे राजा मर जाता है तो उसके बाद विचलन जो है पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब समुद्रगुप्त की मृत्यु होती है तो उसके बाद जो है गुप्त राजवंश का पतन हो जाता है, और इससे क्या होता है मध्य हिमालय में एक राजनीतिक परिवर्तन आता है। तो उस समय जो है इस क्षेत्र में, उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, यादव और नाग जो है प्रधान शक्ति माने जाते थे। ये दोनों यहाँ परंपरागत राजवंश जो है, ये दोनों जो है परंपरागत तरीके से राज मतलब अपना शासन चला रहे थे। तो ये चीज़ थोड़ा थोड़ा ध्यान है, लेकिन एक बिल्कुल बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उस समय नहीं थे, लेकिन बाद में जिस समय उसका पतन होता है उसके बाद ये दोनों शक्तियाँ थोड़ा जो है सामने आती हैं।
डॉक्टर कटोच के अनुसार यदुवंशी राजाओं का ज्ञान जो हमको प्राप्त होता है ईश्वर की लाखामंडल प्रशस्ति से होता है। ये मैं आपको थोड़ा पहले भी बता चुका हूँ। इस प्रशस्ति में 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नाम उद्धृत हैं। दोस्तों ध्यान रखना आपको कि 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नाम जो है कहाँ पर हैं, ईश्वर की लाखामंडल प्रशस्ति में उल्लेखित किए गए हैं, उद्धृत हैं। अब जो है एक चीज़ आपको बता दूँ, जो यमुना प्रदेश के यदुओं की राजधानी थी वो सिंहपुर थी। ये सिंहपुर जो है लाखामंडल प्रशस्ति का ही सिंहपुर हो सकता है। जो लाखामंडल प्रशस्ति में सिंहपुर का जिक्र किया गया है, ये सिंहपुर संभवतः है वही सिंहपुर हो सकता है। बात करते हैं नागवंश की, तो दोस्तों नागवंश जो है कर्तपुर के कुड़िंदों की सत्ता समाप्त करके उत्तराखंड पर इसने अधिकार किया था। किसने? नागवंश ने। हमने कहा कर्तपुर साम्राज्य के बारे में भी पढ़ा था, तो कर्तपुर के बाद ये नागवंश जो था इसने क्या किया था, कर्तपुर के कुड़िंदों की सत्ता को इसने समाप्त कर दिया था। इनकी सत्ता को समाप्त करके इसने क्या किया, पूरे उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया। तो मध्य हिमालय में जो है छठी से सातवीं सदी के सातवीं सदी ईस्वी में जो है नागवंश के अस्तित्व का पता चलता है, और इसके सूचना का जो स्रोत है, मुख्यतः स्रोत वो है नागवंश का त्रिशूल लेख। ठीक है, तो नागवंश का त्रिशूल लेख जो गोपेश्वर गढ़वाल से प्राप्त हुआ है, यहाँ पर चार क्रमागत नरेशों के नाम अंकित मिलते हैं। ठीक है, वो नरेश कौन कौन से थे उनको देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला था एक स्कंदनाग, दूसरा विभुनाग, तीसरा अंशुनाग और चौथा है गणपतिनाग। तो ये चार क्रमागत नरेश थे जो नागवंश के त्रिशूल लेख जो गढ़वाल गोपेश्वर से मिला है वहाँ पर ही इनका अंकन मिलता है। अब उसके बाद एक मौखरी राजवंश का भी यहाँ पर जिक्र होता है। तो मौखरी राजवंश जो है छठी सदी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने फिर क्या किया था, नागों की सत्ता को समाप्त कर दिया था। जब नागों की सत्ता को मौखरी ने समाप्त कर दिया तो इनका उत्तराखंड पर अधिकार हो गया। भाई जब एक को मारेंगे उसी के बाद तो दूसरे का शासन वहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस वंश का अंतिम शासक था ग्रह वर्मा। ठीक है, तो ग्रह वर्मा की हत्या जब हो गई थी तो उसके बाद जो है राज्य बहनोई हर्षवर्धन के अधीन आ गया था। अब यहाँ से हर्षवर्धन की कहानी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड आने वाले कुछ लोगों का वर्णन मिलता है जो हर्षचरित में मिलता है। हर्षचरित को किसने लिखा है, बाण भट्टी की रचना है हर्षचरित। ठीक है, तो हर्षवर्धन के काल में उत्तराखंड जो लोग आए थे, इसमें एक जो प्रमुख नाम आता है वो है ह्वेनसांग का। ठीक है, तो ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था, आपको पता ही होगा, तो ये हर्षकालीन माना जाता है इसको, ह्वेनसांग को। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्रह्मपुर का जिक्र आता है इसमें, इसने अपने मतलब इस यात्रा वृत्तांत में एक ब्रह्मपुर नाम का जिक्र किया था जिसके लिए इसने पोली हिमोपुलो का इस्तेमाल किया था। तो ये इसने कहा कि मतलब ये जो है ब्रह्मपुर राज्य में गया था, तो ये ब्रह्मपुर जो है बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था और इसने कहा कि ये हर्ष के अधीन था। ठीक है, उस समय जब वो आया था उसने ऐसा बताया है कि जो ब्रह्मपुर है ये बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है और ये राज्य जो है किसके अधीन है, हर्ष के अधीन है। और इसने जो है यहाँ पर 5 बौद्ध विहार होने का भी उल्लेख किया है दोस्तों। ठीक है, तो 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किसने किया, ह्वेनसांग ने किया है। और इसने हरिद्वार के बारे में लिखा है कि भागीरथी नामक नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर है जो 20 ली के घेरे में है। जो ये यहाँ पर 20 ली आपको दिखाई दे रही है, एक चीनी माप की इकाई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये लाइन पूरी की पूरी एग्जाम में आती है। ठीक है, इसको पूरा नोट कर लो आप। उसके बाद हम बात करते हैं जब हर्ष का शासनकाल था, ये थोड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने एक दो लाइन देख ली। उसके बाद हर्ष के बाद जो मध्य हिमालय था यहाँ पर कैसी स्थिति बनी, तो इस समय को दोस्तों हर्ष के बाद का जो मध्य हिमालय की स्थिति थी, इस समय को बहुराजकता का युग भी कहा जाता है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि बहुराजकता का युग किसे कहते हैं, तो वो हर्ष के बाद जो है 648 से 750 तक का जो समय था इसको बहुराजकता का युग कहते हैं। क्यों? तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कानी कुब्ज में क्या होता है, 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का अंत हो जाता है वर्धन वंश का, क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वर्धन वंश का क्या हो जाता है, यहाँ पर अंत हो जाता है। जब वर्धन वंश का अंत हो जाता है तो इससे क्या होता है, वहाँ पर छोटे छोटे कई राज्य स्थापित हो जाते हैं। अब कई राज्य स्थापित होने से जो है सैन्य शक्ति का वहाँ पर अभाव हो जाता है, यानी कि सैन्य शक्ति
जो है चौपट हो जाती है। अब सैन्य शक्ति जब चौपट हो जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो कमज़ोर राजा थे उनको अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी। जब वो कमज़ोर राजाओं को अपनी सुरक्षा की चिंता हुई तो कमज़ोर राजाओं ने क्या किया, अपनी सुरक्षा के लिए छोटे छोटे गढ़ों या छोटे छोटे कोटों का निर्माण करना शुरू कर दिया। अब यहाँ से शुरू होती है गढ़ों का निर्माण करना। उसके बाद यहाँ पर एक और था दोस्तों, जिसका नाम था युवान च्वांग। ठीक है, युवान च्वांग था, ये जो है 624 का इसका यात्रा वृतांत मिलता है। तो इसने जो है शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर और गौबिषाण जनपदों की जानकारी इसने दी है, और ये भी क्या है, एक चीनी यात्री है दोस्तों। इसने सबसे पहले शत्रुघ्न राज्य के बारे में बताया, तो इसने कहा कि जो शत्रुघ्न राज्य है इसकी पूर्वी सीमा पर गंगा प्रवाहित होती है, और इसके उत्तर में ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं, और इसके मध्य में यमुना प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो होगा वो ये है कि युवान च्वांग के यात्रा वृत्तांत से किसकी जानकारी मिलती है, तो युवान च्वांग के यात्रा वृत्तांत से तीन जनपदों की जानकारी मिलती है, शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर और गौबिषाण जनपदों की। ठीक है, ये तीन जनपदों की, बाकी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं इसने किस तरीके से इन जनपदों का बखान किया। और दूसरा इसने ब्रह्मपुर राज्य बताया, इसने कहा कि यहाँ पर पौरवों का शासन है, और इसने कहा कि सर्वाधिक विस्तार वाला राज्य कौन सा है, ब्रह्मपुर ही इसने सर्वाधिक विस्तार वाला राज्य बताया है। इसका जो विस्तार बताया इसने वो गंगा से पूर्व में कर्णाली नदी तक, ठीक है, गंगा से लेकर के पूर्व में कर्णाली नदी तक का इसने इसका विस्तार बताया, किसका, ब्रह्मपुर राज्य का विस्तार। उसके बाद उत्तरी सीमा पर इसने बताया दोस्तों कि इसके सुवर्ण गोत्र देश था, और इससे ये पता चलता है कि ब्रह्मपुर नरेश सोनवंशी पौरव राजवंश थे। किसकी वजह से, सुवर्ण गोत्र देश की वजह से। अब यहाँ पर इतना उल्लेख इसने किया, और इसने कुछ यहाँ के ब्रह्मपुर के प्रमुख शासकों के नाम भी बताए हैं, जिसमें इसने विष्णु वर्मन प्रथम और वृष वर्मन, अग्निवर्मन, धुति वर्मन और विष्णु वर्मन द्वितीय। ठीक है, इतने इसके प्रमुख शासक हैं कहाँ के, ब्रह्मपुर के। ठीक है, ब्रह्मपुर जनपद के। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसने यहाँ से बताई। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट जो आपको पता है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है गौबिषाण राज्य दोस्तों। तो गौबिषाण के बारे में दोस्तों देखिए, गौबिषाण राज्य का इसने राज्य विस्तार बताया है, वर्तमान काशीपुर क्षेत्र और रामपुर पीलीभीत जनपद। ठीक है, ये तीन, काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत, इस समस्त क्षेत्र को इसने गौबिषाण राज्य के अंतर्गत यहाँ पर रखा है। और इसका जो विस्तार बताया इसने राज्य का, वो पश्चिमी रामगंगा से लेकर के पूर्व में शारदा तक और का क्षेत्र इसने बताया है। और इसने कहा कि जो ब्रह्मपुर था, ब्रह्मपुर जो इससे पहले जो ब्रह्मपुर जनपद हमने बात की, वो गौबिषाण के उत्तर में स्थित था। इसकी जो राजधानी थी वो गौबिषाण में ही थी। गौबिषाण जो है वो वर्तमान काशीपुर में है, उज्जैन ग्राम के पास, पुराने दुर्ग के पास। तो इसकी पहचान की कनिंघम ने गौबिषाण की। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछ लेता है, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो साथियों यहाँ पर जो है आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्तिकेयपुर और या फिर कत्यूरी राजवंश को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बेहतरीन चीज़ें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते भी हैं। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में हम किसकी संस्थापना, कैसे हुई स्थापना, कौन कौन इसके संस्थापक हैं, कैसे क्या हुए, और पूरे मतलब अच्छे तरीके से कार्तिकेयपुर और बाकी आगे की जो है कहानी को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थोड़ा सा ये वाला वीडियो लंबा हो गया है, बट मेंटेन करना सारी चीज़ों को। जो अगर कमी लगती है, कोई मिस्टेक हुई है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में करना, हम करेक्ट कर देंगे फर्स्ट कमेंट में। ठीक है, पिन कर देंगे, आप उसको देख लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद।